आज से फिर से रेगुलर व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ मैं, क्योंकि आप लोग मुझे बार बार बोल रहे हो कि दी क्यों आप शॉर्ट्स पे ध्यान दे रहे हो, आप बिल्कुल भी व्लॉग अपलोड नहीं कर रहे हो, बहुत डिले कर रहे हो। तो क्या हुआ था, बीच में ना बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, बहुत सारे शूट वगैरह चल रहे थे, तो उस दौरान तो मैंने वीडियोस व्लॉग वगैरह कर लिया। उसके बाद मेरे दिमाग से वो निकल गया, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम यूट्यूब के काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, बाकी एप्लीकेशन भूल जाते हैं। और अब क्या हुआ, मैं इंस्टाग्राम के प्रमोशन में इतना भी, क्योंकि राखी आ रही है ना, तो बहुत सारे प्रमोशन वगैरह आ जाते हैं, तो अब मैं राखी के प्रमोशन में यूट्यूब की व्लॉगिंग करना ही भूल गई। तो मेरे दिमाग से वो चीज़ें निकल गई और सिर्फ काम वाली वीडियोस अपलोड कर रही थी। आज से मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूंगी, क्योंकि भाई ज़्यादा डिले करना ठीक नहीं है। और इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जो मुझे इस दौरान रिसीव हुई हैं और मुझे अच्छी लगी हैं, तो आप लोग देखो। पहले तो मिल लो भाई किचन से, मेरा साफ सुथरा प्यारा किचन। ये देखो, ये है शहद, ये परी के पापा, परी के पापा को एकेडमी में किसी स्टूडेंट के पापा ने दिया, उनका खुद का काम है शहद का, एकदम नेचुरल शहद है, बहुत टेस्टी शहद है ये, बहुत ज़्यादा। मैं रोज़ सोचती हूँ कि अपने हस्बैंड से पूछूँ कि उनका भाई नंबर वंबर है क्या, अगर मैं ब्लॉग में डालूँ तो उनका नंबर प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप लोगों को भी प्योर चीज़ मिल सके। आज के टाइम पे वैसे भी कुछ भी प्योर कहीं रहा नहीं है, तो जब एक आध जगह हमें कुछ प्योर मिल रहा होता है तो आप लोगों के साथ भी शेयर करने का मैं सोचती हूँ। तो मैं पूछूंगी, नंबर में हर बार भूल जाती हूँ, तो नंबर वगैरह अगर उन लोगों का कुछ हुआ तो आप लोगों को भी मैं नंबर दूंगी, अगर आप लोगों को लेना हो तो। और ये रहा मेरा डाइनिंग टेबल कवर, मैंने सोचा हुआ था कि मैं इस डाइनिंग टेबल को चेंज कर दूंगी, हम लोग बेचना चाह रहे थे इसको, लेकिन ये कवर आप लोगों ने देखा होगा पहले ये ब्राउन कलर के थे, फिर मुझे ना ये कोलाब्रेशन में कवर रिसीव हुए, तो मैंने ये कवर जैसे ही लगाया तो इसका लुक एकदम चेंज हो गया, तो अब मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो अब मैंने इनको अब मैं नहीं देने वाली, अभी ऐसे रहेंगे। और यहाँ पर ये लाइट्स लेके आए हुए हैं, क्योंकि ये देखो, ये जो ऊपर वाली लाइट्स है ना, सारी ख़राब हो चुकी है, इक्की दुक्की चल रही है, तो ये सब चेंज होगी, इसलिए ये आई है और इसलिए इसको यहीं पर रखा हुआ है। ये एक और पार्सल मुझे कल रिसीव हुआ था, बिल्लो रानी इंस्टाग्राम का पेज है उसकी तरफ से, देखो ये इयररिंग है, ये ज्वेलरी है, ये एक और ज्वेलरी और नेक पीस है, मंगलसूत्र भी रिसीव हुआ था, बहुत प्यारा कलेक्शन, रिंग रिसीव हुई थी, रिंग वगैरह भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये इनका इंस्टाग्राम वगैरह पे इसी नाम से, बिल्लो नारी, सॉरी रानी नहीं, बिल्लो नारी के नाम से ये इनका नाम है और ये इनका नंबर भी है। ये देखो भाई, बहुत सुंदर कलेक्शन है, बहुत प्यारा कलेक्शन है। अगर आप लोग भी राखी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ आप लोग चाह रहे लेना, और इस रिंग, ये ना एडजस्टेबल रिंग है, साइज बड़ा छोटा हो जाता है, अगर आप लोग भी चाह रहे हैं कुछ अलग बन के जाना, पहन के जाना, तो ज्वेलरी वगैरह का कलेक्शन ढूंढ रहे हैं, तो ये चीज़ें होती हैं जो इजली आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, ऑनलाइन ही होती हैं। इंस्टाग्राम में इनका डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगी, नंबर तो मैंने आपको कार्ड दिखाई दिया, उस कार्ड पे इनका नंबर अवेलेबल है, तो कितने सुंदर रिंग है, टें टें सुंदर है ना। नन्नू को नहलाने के लिए गीजर ऑन किया हुआ था, अब इसको बंद कर देती हूँ मैं, नन्नू सो रही है तब तक पेट पूजा कर लेती हूँ। और कुछ लोग मुझसे कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं कि दी आपका जो वेट लॉस जर्नी थी, पता नहीं मेरी जीभ क्यों इतना वैसे हो जाते, आपकी जो वेट लॉस जर्नी थी उसका क्या रहा, तो उसका ये रहा कि 2 दिन में वर्कआउट पे गई, उसके बाद फिर से मैंने ब्रेक ले लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने लग गया था और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाया, मैं थक जाती थी। फिर अब मैंने सोचा है कि आज से फिर से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि जब भी मैं वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ शूट वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, तो अब कोई शूट वगैरह है नहीं, तो अभी वर्कआउट फिर से स्टार्ट करती हूँ। पर हाँ, मैं डाइट वाइट पे थी तो 75 पॉइंट समथिंग से मैंने स्टार्ट किया था, 72 पे अब मेरा वेट हो गया है, तो डाइट से इतना तो मैंने लूज़ कर लिया, लेकिन एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आज मैं फिर से कंटिन्यू करती हूँ वर्कआउट। अब नन्नू सो रही है, तब तक मैं कुछ खा पी लेती हूँ, और वो खाने नहीं देगी, फिर वो उठ जाएगी।
पहले सोचा था फ्रूट खाऊंगी, लेकिन अब सीधा खाना ही खा लेती हूँ। ये खाना है, इसको मैं खा लेती हूँ। ये छोले चावल सलाद, ये इस कमरे में नहीं बैठ रही। छोले चावल सलाद और अचार, यू कैन कॉल इट सैलेड। इसको फिनिश करते हुए फिर मिलते हो आप लोगों से। अब ये बैठक ठीक करनी है यहाँ पर, इसको रोज़ रात को मैं ठीक करती हूँ, लेकिन यहाँ पर ना इस पे नन्नू को लेके बैठ जाते हैं सब लोग, तो फिर ये चीज़ें यहीं फैली रहती है। अब ये टॉवल पता नहीं परी के पापा ने खिंडाया किसने खिंडाया, तो इसको ठीक करती हूँ। उसके बाद आपको दूसरा रूम दिखाती हूँ जिसमें नन्नू सो रही है। नन्नू को तो भाई हम कुछ कह भी नहीं सकते, सलाम। तो बैग बना रखा है मैंने नन्नू के टॉयज़ के लिए, इसमें सारे टॉयज़ डाल के इसको बंद करके रख दूँगी। देखो कितनी सी पैदा हुई थी छोटू सी। ये आ गए भाई इन परी के न्यू स्केटर्स। उसने बोला था मुझे लाइनर्स चाहिए, लेकिन फिर मुझे डर लगा कहीं उसका पैर वैर पे ना चोट आ जाए, तो ये उसके नए फिर हमने स्केटर्स दिला दिए। पहले वाले छोटे हो गए थे। जो परी के जो छोटे वाले स्केटर्स हैं ना, वो मैं सोच रही हूँ किसी को गिफ्ट कर दूँ या किसी को दे दूँ। किसी का बच्चा चला लेगा तो मुझे लगेगा किसी को ज़रूरत है तो उसको दे दूँ, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। बहुत महंगे आए थे ये, लेकिन बस ये साइज़ में छोटे हो गए परी के, तो बहुत ही अच्छे हैं। तो जिसको ज़रूरत होगी ना उसको मैं दे दूँगा। एक चीज़ और दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर अब मैंने लगा दिया ये वाला, इस बार मुझे मिला है अजय हुड्डा सर के स्टूडियो 99 सैलून के इनॉग्रेशन पर गए थे हम उसमें, और बाकी सब यहाँ पर है ही। ये सारे एक साथ इकट्ठे कर दिए मेडल दोनों पापा बेटी के। ये नन्नू का हमने पॉटी ट्रेनिंग के लिए मंगा लिया है। अब नन्नू बड़ी हो गई है तब नन्नू इसमें पॉटी करा करेगी बैठ के, तो नन्नू की पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ये रही नन्नू पॉटी ट्रेनिंग करते हुए। और भाई अब मैं नन्नू को और परी को कम लाया करूँगी ब्लॉग में, क्योंकि जिन ब्लॉग में ये रहते हैं ना उस ब्लॉग के कमेंट सेक्शन ऑफ हो जाते हैं। यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है कुछ चीज़ें कि बच्चों को नहीं लेके आ सकते ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर इससे मेरे चैनल ख़राब होने का चांस है, तो मैं रिस्क नहीं लूँगी, कम दिखाऊँगी इन लोगों को। ठीक है, ओके। और एक चीज़ और आप लोगों को बता देती हूँ, नन्नू हाँ क्या हुआ? और नन्नू ने इस पॉटी बॉक्स के ऊपर बैठकर पॉटी करने से डिनाय कर दिया है। नन्नू ने कहा है कि नन्नू बिस्तर पे ही पॉटी करेगी, है ना नन्नू? बिस्तर पे ही करोगे पॉटी? अब नन्नू खेलेगी अपने टॉयज के साथ। नन्नू के लिए जितने सारे टॉयज हैं, नन्नू कंफ्यूज हो रही है और लालच भी कर रही है कौन सा उठाऊं। एक उठा रही है फेंक रही है, फिर दूसरा उठा रही है अब फेंक दिया, दूसरा उठाई। नन्नू कौन सा टॉय चाहिए? बहुत सारे आ गए। इतने नहीं। इसमें से भाई का कौन सा है? इसमें से। नन्नू भाई का कौन सा है बेटू? जो नहीं है भाई का, भाई आएगा भाई अपने उठा के ले जाएगा। नन्नू दीदी ले जाएगा। दीदी का नहीं है इसमें कुछ भी है। देख कितनी कंफ्यूज हो रही है कौन सा उठाऊं, और राल निकाल रही है बार बार। नन्नू ये वाली देख, ये वाली ये देखना ये कैसी है। मामा आपके लिए पूरी दुकान खरीदी हमने, बहुत अच्छा लगा है, और लेना।
पर मैं और परी कर रहे हैं पार्टी आज, क्योंकि परी का पिज़्ज़ा खाने का मन था और डोमिनोज यहाँ पर आता नहीं है, तो मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर कर लिया। अब ये परी खाएगी, मैं भी खाऊंगी। ये गिफ्ट भेजा था परी की मासी ने परी के लिए, पूनम है मेरी फ्रेंड जयपुर से, वो परी के लिए लेके आई थी और इस पे कब्जा कर लिया नन्नू ने। अब ये नन्नू का फेवरेट है। नाना करते हुए भी आज मैंने नन्नू को बहुत बार दिखा दिया है। नेक्स्ट व्लॉग से कम दिखाऊंगी नन्नू और परी के बिना ना व्लॉग में जान ही नहीं आती तो। लेकिन फिर भी देखो टर्म एंड कंडीशंस भी अप्लाई करनी, जो अप्लाई हो रखी है उनको भी फॉलो अप करना है। तो आज का व्लॉग करते यही है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। लव यू ऑल। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, भी भूल गई हूँ मैं, लास्ट व्लॉग में मेरे कपड़ों को लेकर कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि आपको ये नहीं पहनना चाहिए था, आप सूट में अच्छे लगते हो, आपको सूट पहनना चाहिए था, कोई कह रहा आपको पहनना नहीं आया। तो देखिए पहनना आया नहीं आया, मुझे पहनना चाहिए था नहीं पहनना चाहिए था, पहली बात मैं कभी किसी के भी कहने पर नहीं चली हूँ, मैंने हमेशा अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी है। और जब भी मैं कुछ पहनती हूँ सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि मैं अच्छी लग रही हूँ, अगर वो मुझे बोलेंगे हाँ अच्छी लग रही है तो मैं उसको पहन के बाहर निकलती हूँ। फिर सेकेंडली मैं खुद से भी पूछती हूँ कि क्या मैं इसको पहन के खुश हूँ, अगर हाँ तो फिर ठीक है। तो अगर कोई भी मुझे ये सोचता है कि मैं लोगों के सोच के हिसाब से पहनूंगी, लोगों को दिखाने के हिसाब से पहनूंगी, जी नहीं, मैं जो पहनती हूँ अपनी खुशी के लिए पहनती हूँ। और मैं अगर आप लोग कुछ भी बोलोगे और आप लोगों को लगता है कि वो कुछ पर्टिकुलर लोगों की बात करूँ कि इस चीज़ से मुझे फ़र्क पड़ेगा या मैं बदलाव करूँगी, जी नहीं, अगर मुझे फ़र्क पड़ता तो शायद आज मैं आप लोगों के आगे पीहू यादव नाम से नहीं होती, ठीक है। मैं भी एक हाउसवाइफ होती, नॉर्मल ज़िंदगी जी रही होती, लाइक नॉर्मल तो अभी भी जी रही हूँ, इन द सेंस कि आप लोग मुझे ना पहचानते, मैं वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म वगैरह पे ना होती, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं, मैं खुश हूँ, मुझे मेरे कपड़े अच्छे लगते हैं, आप लोगों को अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो आप मत देखिए। क्योंकि आप किसी को भी उसके कपड़ों को लेकर नहीं बोल सकते कि आपको ये नहीं पहनना चाहिए था, आपकी अपनी पसंद है मेरी अपनी पसंद है, आपकी अपनी चॉइस है मेरी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी ज़िंदगी है मेरी अपनी ज़िंदगी है, ठीक है। तो मुझे आपसे ज़्यादा बेहतर पता है कि मुझे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, और आप लोगों से पहले मेरी फैमिली मुझे देखती है। ये व्लॉग वीडियोज़ तो बहुत दिनों बाद अपलोड होते हैं, तो आप लोगों से पहले मेरी फैमिली मुझे देखती है। मेरी मम्मी मेरे साथ गई थी, शी अप्रिशिएटेड अ लॉट कि अरे बहुत अच्छी लग रही है, जानवी वॉज विद मी, उसको मैं बहुत सुंदर लग रही, मुझे खुद को मैं बहुत अच्छी लग रही थी, मेरे हस्बैंड को मैं बहुत अच्छी लग रही थी, मेरे वहाँ पर जितने भी दोस्त थे उन सबको मैं बहुत अच्छी लग रही थी, ठीक है। तो आप लोग किस नज़रिए से मुझे जज कर रहे हो मुझे नहीं पता। अगर एक हाउसवाइफ आगे बढ़ रही है, अपनी खुशियाँ ढूंढ रही है, अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग कर रही है, तो अगर आप लोग अप्रिशिएट नहीं कर सकते मत कीजिए। हाँ हो सकता है आप लोगों को मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छा लगने के लिए कपड़े नहीं पहनती हूँ, मैं खुद को अच्छा लगने के लिए कपड़े पहनती हूँ। और ये जो लाइन है ये हर किसी के लिए नहीं बोली है मैंने, ये मैंने सिर्फ उन 4-5 लोगों के लिए बोली है जो मेरे कपड़ों को लेकर कॉमेंट कर रहे हैं, बाकी सब तो मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो कि लव यू ऑल। तो उन लोगों के लिए है ये जो बोल रहे हैं कि ये कपड़े पहनने नहीं आया, लाना नहीं आया, फलाना नहीं आया, मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी, मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ मेरी मर्ज़ी। थैंक यू।